हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ कोई व्लॉग नहीं लेकर आई हूँ, मैं लेकर आई हूँ अपने थोड़े से लिपस्टिक के कलेक्शन, जो कि मुझे मेरी कुछ इनमें से फेवरेट है और ज़्यादा नहीं है, बट जितना कलेक्शन है मेरा थोड़ा बहुत वो मैं आपको दिखाने आई हूँ और आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो विदाउट मेकअप आप देख रहे हो, मैंने अभी लिपस्टिक नहीं लगाई है, लेकिन लिपस्टिक लगा के ही जो होता है ना, वो एकदम से लुक जो होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है। और बिना लिपस्टिक के मेकअप अधूरा लगता है, लेकिन जैसे ही हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं ना, तो जो है पूरा जो मेकअप है वो कंप्लीट लगता है। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी कुछ लिपस्टिक, जो कि बिल्कुल अफोर्डेबल हैं, उनका प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है और सारे शेड्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको और एक एक करके लगा कर दिखाती हूँ कि कौन कौन से मेरे फेवरेट शेड्स हैं जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और कौन कौन से मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो मेरा जो पहला है शेड ये है, और ये है लैक्मे का लिपस्टिक है, लैक्मे का नहीं सॉरी एलेटिन का, ये एलेटिन का है, एलेटिन का कलर पॉप्स मैट लिपस्टिक है ये, और इसका शेड है W12। और ये जो है ये इसका कैप है, तो मैं आपको इसको भी पहले लगा के दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। तो ये है एलेटिन का शेड नंबर W12। बहुत मतलब ज़्यादा डार्क नहीं है और न ज़्यादा लाइट है, बहुत अच्छा शेड है, मुझे बहुत पसंद है। डेली यूज़ के लिए हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये कैसा लग रहा है। तो पर्सनली ये मुझे काफ़ी पसंद है ये जो शेड है। तो सेकंड जो मेरा शेड है वो है ये, ये मुझे ठीक लगता है, मतलब इतना ज़्यादा पसंद नहीं है और इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। ये है आपका रोमांटिक ब्यूटी का है, ये मैट लिपस्टिक है और इसका जो नंबर है वो 06 है। और ये जितने भी लिपस्टिक हैं ये 150 और 200 की रेंज की हैं, ये जितने भी लिपस्टिक है, इससे ज़्यादा की ये नहीं है। तो अभी ये वाला जो शेड है, जो गर्ल्स होती हैं उनको काफ़ी पसंद होता है ये, तो अभी मैं आपको ये वाला जो शेड है वो लगा के दिखाती हूँ। तो ये है वो शेड, लेकिन ये मुझे कुछ इतना खास पसंद नहीं है। ठीक लगता है मुझे, कभी कभी मैं इसको लगा लेती हूँ, बट हाँ ऐसा नहीं है कि ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट शेड है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ आप देख रहे हो ज़्यादा डार्क भी नहीं है और ज़्यादा लाइट भी नहीं है, डेली यूज भी हम इसे कर सकते हैं, मतलब अगर हम आप डेली लगाना चाहो तो भी इसको लगा सकते हो। तो ये मैट में लिपस्टिक है और ये है, ये सारी जो लिपस्टिक है ये लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी देर तक ये रहती है, कुछ खाओगे पियोगे तो भी ये लिपस्टिक मतलब आपका टिकी रहेगी, जल्दी से उड़ेगी नहीं। तो देख रहे हो आप ये वाला शेड, और आपको मेरा कौन सा शेड पसंद आया आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको जो भी मैं शेड बता रही हूँ इनमें सबसे अच्छा शेड कौन सा लगा। तो अब आ रही हमारे अगले शेड की, तो जो मैं आपको अपना अगला शेड बता रही हूँ ये भी एलेटिन का है और ये है रेड कलर। ये मेरा ये मेरा सबसे फेवरेट कलर है और मुझे बहुत पसंद है और मोस्टली मैं इसको लगाती हूँ अपने व्लॉग्स में भी, मैं इसको ही लगाती हूँ। और ये है R34 इसका जो नंबर है, और ये है सेल्फी रेड, ये भी एलेटिन का ही है और इसको मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कैसा लगता है। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट शेड है ये। तो ये है मेरा अगला शेड, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और आप देख रहे हो लग के बहुत सुंदर लगता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, एकदम ऐसे लगाओ तो पता ही नहीं लगता, बिल्कुल मक्खन की तरह ये जो शेड है। और हर लेडीज का जो फेवरेट कलर होता है वो रेड होता है, और हर किसी के पास जो है रेड कलर की लिपस्टिक जरूर होती है एक, और इसीलिए मेरे पास भी ये रेड कलर की लिपस्टिक है और मुझे बहुत पसंद है और लगा के बहुत सुंदर लग रही है, आप देख रहे हो। मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया है, फेस पे सिंदूर लगाया है, हल्की सी एक क्रीम लगाई है और बस काजल वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि एक लिपस्टिक लगाने के बाद हमारा पूरा जो लुक है वो कैसे चेंज हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये शेड मुझे ज़रूर बताना।
नेक्स्ट शेर है मेरा, वो है ये, ब्लू हेवन का है ये, और ये मैजेंटा कलर है, 131 इसका जो नंबर है, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है मैजेंटा कलर, लेकिन ये है कि ये काफ़ी डार्क कलर है, तो पार्टीज वगैरह में, शादी वादी में ही पसंद आता है, मतलब लगाना अच्छा लगता है। और एक बात और, इसको लगाने से पहले मैं आपको कहूँगी कि बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं ये वाला व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि हर बार एक लिपस्टिक लगाना और उसके बाद उसको मिटाना और फिर नेक्स्ट लिपस्टिक लगाना बड़ा मुश्किल का काम है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि मतलब बिहाइंड द सीन अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप तो बिल्कुल हंस हंस के पागल हो जाओगे जब वो लिपस्टिक मिटानी पड़ती है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे इस वीडियोस को लाइक ज़रूर देना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो अब मैं आपको अपना ये जो मेरा ब्लू हेवन का मैजेंटा शेड है ये वाला लगा के दिखा रही हूँ। तो ये है मैजेंटा शेड जो है ब्लू हेवन का। एक्चुअली मैं ना कंफ्यूज हो रही हूँ पूरी, क्योंकि सभी जो लिपस्टिक हैं वो सब अलग 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 ब्रांड की है, कोई एक ब्रांड नहीं है पूरा। तो जहां से भी जो भी पसंद आता है मैं खरीद लेती हूँ। तो बस अपना यही है, और आप देख रहे हो ये वाली लिपस्टिक, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये पार्टीज में और शादी वादी में, किसी फंक्शन में ही अच्छी लगती है। डेली यूज पे भी बहुत कम होता है जो मैं इस लिपस्टिक को लगाती हूँ। तो कैसे लगा ये आपको कलर मुझे जरूर बताना, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा ये कलर। और सबसे बड़ी बात है ये है कि जितनी भी लिपस्टिक मैं आपको दिखा रही हूँ कोई भी इतनी महंगी नहीं है, इतनी कॉस्टली लिपस्टिक नहीं है, ब्रांड की है बट इतना ज़्यादा कॉस्टली कोई भी लिपस्टिक नहीं है। तो हर किसी को, हर कोई जो है ये लिपस्टिक ले सकता है। तो जो मेरा अगला शेड है वो भी लेऑन ब्यूटी का ही है, मैट लिपस्टिक है, और वो है ये, बट ये मैं आप लगाऊंगी नहीं क्योंकि ये भी बिल्कुल लाइट कलर है, इसको हम डेली यूज कर सकते हैं। और उसका जो उससे अगला जो मेरा शेड है वो भी लेऑन ब्यूटी का ही है और वो पिंक कलर है। तो ये वाली जो लिपस्टिक है मैं आपको इसका थोड़ा सा हाथ में इसका शेड लगा के दिखाती हूँ, कुछ ऐसा इसका शेड है, काफी लाइट कलर है ये भी, और ये भी अच्छा लगता है डेली यूज में, मैं इसको लगा लेती हूँ। और इसका जो इसमें 08 इसका नंबर है, इसमें पिंकी भी लिखा है, पिंकी ऊपर इसमें पिंकी लिखा है, किधर गया कैमरा, ये रहा। तो ये है, और इसका जो नंबर है वो 1। और अब जो शेड मैं आपको लगा के दिखाऊंगी वो है ये भी लेऑन ब्यूटी का ही है, और इसका जो नंबर है वो है 06, और ये मैरून कलर है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी मेरा एक फेवरेट कलर है, और इसको मैं आपको लगा के दिखाती हूँ अभी। तो ये है मेरा अगला शेड, मैरून नहीं है ये, क्योंकि मैरून तो थोड़ा अलग होता है, और ना ही ये कॉफ़ी है, कौन सा कलर ये आप मुझे बताना, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कौन सा कलर है, ना ये ब्राउन भी नहीं है, पर जो भी है ये मेरा फेवरेट कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तो ये था मेरा लास्ट लिपस्टिक जो मैंने आपको लगा के दिखाया, और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताना, और मेरे लिपस्टिक आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।